हाय गाइस, अभी तक के वीडियो में मुझे आपने स्पेक्स पहनते देखा होगा। दे आर नॉट एज अ फैशन स्टेटमेंट। मेरे स्पेक्स का पावर काफ़ी हाई है। विदाउट स्पेक्स मुझे कुछ ऐसा दिखता है। ऐसी ही एक सिचुएशन मेरे साथ हुई जब मेरे स्पेक्स खो गए एंड आई डिडंट हैव एनी स्पेयर विथ मी। मैं अपने फैमिली के साथ हुबेई से 45 किलोमीटर्स दूर यमनूर आई थी टू विजिट श्री चांगदेव टेम्पल। राजा बागेश्वर और चांगदेव ये एक ही गॉड है। मुस्लिम्स राजा बक्शेवर कहते हैं और हिंदू इन्हें चांगदेव महाराज। सो बोथ रिलीजन वर्शिप एट दिस प्लेस। यहाँ का रिवाज ऐसा है कि दरगाह जाने से पहले यहाँ 1 किलोमीटर पर बेनेहाड़ा रिवर है जिसमें लोग स्नान करते हैं। यहाँ पर डुबकी लेते समय मैंने मेरे स्पेक्स अपने पास में ही रखे थे, पर जब मैं पानी से बाहर आई तो स्पेक्स मिल ही नहीं रहे थे। रिवर से दरगाह का 1 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने लिटरली मेरे सिस्टर का हाथ पकड़ के कवर किया। लाइफ में अभी तक मैंने कभी इतना टाइम विदाउट स्पेक्स नहीं बिताया था। सारे रिचुअल्स होने के बाद बस से हम हुबेई आए। पावर हाई होने की वजह से पुणे जैसे मेट्रो सिटी में स्पेक्स बनने के लिए मिनिमम 2 to 3 days लगते हैं। मुझे तो 100% गारंटी थी यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन हम तो शॉक रह गए क्योंकि जहाँ हम रुके थे उसके पास में बहुत सारे ऑप्टिकल शॉप्स थे और पूरे कर्नाटक का स्पेक्स का सबसे बड़ा ऑप्टिकल हब यही था। रेस्टोरेंट के सबसे पास वाले शॉप में जिसकी रेटिंग अच्छी है देखकर हम चले गए चश्मा शॉप में। आई वॉज सिंपली अमेज्ड, सच अ गुड सर्विस। और मेरे स्पेक्स भी प्रॉपर पावर और इंडेक्सेस से बनाकर दिए उन्होंने, वो भी इतने कम टाइम में। स्पेक्स ठीक होने के बाद हमारे पास थोड़ा सा टाइम था घूमने के लिए। गूगल मैप्स पर एक प्राचीन टेम्पल का लोकेशन रिफ्लेक्ट हो रहा था और हमने वहां जाने का प्लान किया। टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बाहर से देखने से लग ही नहीं रहा था कि यहाँ कोई बड़ा टेम्पल हो सकता है। पूरा दिन स्पेक्स के बिना घूमने के वजह से मुझे चक्कर आ रहे थे तो मैं यहीं सो गई। थोड़ी रेस्ट लेने के बाद बैक टू एक्सप्लोरेशन। मंदिर यूनिक है और इसका एक सेपरेट वीडियो मैं बनाने वाली हूँ। ये जर्नी मेरे लिए तो बहुत हेक्टिक थी, पर ऐसे इंसिडेंट से ही तो लाइफ इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये वीडियो बाकी वीडियो जैसा ट्रैवल बजट तो नहीं था, लेकिन आपके साथ शेयर करने का मन किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, इट्स फ्री।